जेलर है या सुपरिटेंडेंट है या होर इत्थे गार्ड ने, उन्होंने किसी कोई यदा फायदा नहीं होना। अही इस दी मंग करते हैं, ये मंग दा सानू पता इंसाफ मिलना मुलना तो कख नहीं है। हुण साढ़े कुछ दिन रह गए है, मेरे ख्याल 25-26 दिन रह गए हुणे साढ़े NSA खत्म होण नूं। साडी पंजाब दे वड्डे अफसर नाल मेरी कल भी गल हुई सी, तो मैं उन्होंने यही गल बोली कि तुसीं साडा जिहड़ा हुण रह गया ना टाइम, वह कहिंदे जी असीं इनवॉल्व नहीं है। मैं तुसीं इनवॉल्व नहीं है ना, तुसीं NSA ही नहीं कहते, साडी NSA तोड़ दो। साढ़े जिन्ने भी दिन रह गए है, 3-4 हफ्ते जिहड़े हैगे है, ये तुसीं पंजाब च इस तों वध साडे लवा लिओ जां सानूं पंजाब लैके जाओ। इत्थे उदों दी भुख हड़ताल चालू है, बसंत सिंह दौलतपुर जो हैगे है उन्होंने पानी का घुट तक नहीं पीता। अही लोग पानी पूनी पी रहे हैं, ताकि जिन्होंने भुख हड़ताल उस सीवियर रखी हुई है, जिहड़े हुण खासकर बसंत दी तां बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई हुई है। चाचे ने भी पानी तक छड़ दिता होया, उन्हें पहला 1-2 दिन पानी पीता सी, उसके बाद उन्हें छड़िया होया। चाचे की हालत जिहड़ी है वह शुगर का पेशेंट है, शुगर एक बार डिगी अगर तो बंदे को कोलैप्स होने दे विच कोई ज्यादा समा नहीं बचता, कि उस को इदा नहीं होंदा कि 2-4 दिन कट जाए, फिर 2-4 घंटे की गल उहदी रह जाती होंगी है। किसी भी समय चाचे नाल यह हो सकता। चाचे ने भी यह बोलिया होया कि मेरे नाल अगर कुछ भी होंदा तो मेरे मुँह च पानी भी ना पाया जाए, ना कुछ मेरे मुँह च मिठा पाया जाए। सेम बसंत ने बोलिया कि मेरी मैं अरदास कर ली है, मेरे ये हालत है। इतने अही सिर्फ अपनी हालत पंजाब नूं दसना चाहते हैं, अही इतने कोई चोरी करके नहीं आए, किसी कोई डकैती करके नहीं आए। पंजाब की गल करते थे, पंजाबी की गल करते थे, पंजाबीयत की गल करते थे, इस करके अही इतने फसे हुए हैं। तो हुण साडा जिहड़ा NSA इन्हां ने लाना सीगा वह ला भी लिया, साल साडी जिंदगी दे खराब हो भी गए। साडे परिवारां दे विच किसी की किसी के बच्चे है वो माँ नूं रोज पुछदे है कि पापा ने कदों आना, और उस माँ ने हाले तक यह दस्या नहीं कि प्यो कित्थे है। कह उन्हूं हमेशा यही कह के टाल दिंदी है माँ कि आ रहे 1-2 दिन च, आ रहे 1-2 दिन च आ रहे। किसी की भैन का विआह लेट हुंदा पिया, बसंत सिंह की माँ जिहड़ी उह मानसिक तौर पर इन्ने डिस्टर्ब हो चुके है, वह हुण दे नहीं काफ़ी कई महीने हो गए है, उन्होंने याद नहीं रहिंदा, वह 20-25 साल पिछे चले जाते हैं, उन्होंने पता नहीं चलता कभी कि भाई किहदा विआह उन्होंने परिवार च हो चुके कि नहीं होया, उन्होंने कुछ भी पता नहीं, उन्होंने मानसिक स्थिति यहोजी हो चुकी है। किसी के बच्चों का विआह है, किसी के भरा का कुछ है, किसी के प्यो का कुछ है, साड़ी जिंदगी के एक एक साल इन्होंने खराब कर दिते हुए हैं। अही वह भी चलो मंजूर कट लिया, निकल ही गया। हुण साड़ी सिर्फ एक इन्नी डिमांड है कि सानू पंजाब लिया जाए, कि सानू बेशक अगर इन्होंने ये भी अही कहने कि पंजाब लिया के पंजाब की धरती से सानू गोली मार दी जाए आंदे ही भावें, वह भी मंजूर, पर अही इत्थे नहीं मरना चाहते, पंजाब की धरती तो दूर नहीं मरना चाहते। सानू जो भी इस चीज के जिस दे भी हाथ विच हैगे है वो इदा कह लो कि अही उन्हूं ये गल बोलदे आ, पंजाब सरकार के हाथ विच बिल्कुल ये सारी चीज़ हैगी है। उन्होंने साढ़े जिहड़े जिंदगी का एक साल लाना सी ला लिया, जिहड़े हुण 3-4 हफ्ते 3-3.5 जो भी हफ्ते रह गए ने वो साढ़े इस तो भावें तुसीं ज़्यादा लवाने आ, तुसीं पंजाब साढ़े लवा लो। तो अही संगत नूं एक ये गल भी दसना चाह रहे हैं कि जो बाद चो आप इस भंबड़ भूसे पै जाने होंगे कि बई इन्ना इदा होया, नहीं नहीं इदा नहीं होया, इदा नहीं होंगे, अही खुद इस दे भुगत भोगी हाँ, अही ये भुगत रहे हैं, इस समय साढ़े नाल हो रहा है। ये साढ़े अगर प्राइवेसी इतने तक प्रीच हो सकती है, इतने तक अगर उसके अंदर उसका नुकसान किया जा सकता है, साढ़े खाने विच भी कुछ पा के दिता जा सकता है। सानू यही एक मंग हैगी है हुण, या तो सानू पंजाब लिया जाए, नहीं तो फिर एक दो बंदा इतों की वो कभी भी चढ़ाई कर सकता है। किसी भी समय कोई भी चीज कोई भी खबर आ सकती है, तो तुम अरदास करो, तो अं चाहते हैं कि तुम पंजाब सरकार के उत्ते इस चीज़ का तुम भी आवाज चुको। अज साढ़े नाल हो रहा, कल तुहाडे किसी भैन भरा ना हो सकता, तुहाडे नाल हो सकता। तो अही कोई कोई चोरे चोर चक्के तो है नहीं कि इतने अही किसी गलत काम के लिए आए हुए हैं, अही इस पंजाब के लिए आए थे। अज पंजाब नूं पंजाब आवाज नहीं भी चुकता तो भी कोई गल नहीं, साडा एक वह सीगा कि अही पंजाब नूं संगत नूं दसीए कि भाई साडे नाल इत्थे की हुंदा पिया, साडी सज़ा भी पूरी हो चुकी है आलमोस्ट। तो हुण
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 1-2 ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਐਵਲੀ ਪੈ ਗਈ NSA NSA। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਾਮ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।